पूरे दुनिया में सबसे महंगा जमीन कहाँ बिकता है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगा जमीन कहाँ बिकता है और उस शहर में मैं अभी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय शहर है और बगल में नेपाल की आर्थिक राजधानी बीरगंज है और बिहार की आर्थिक राजधानी रक्सौल आज जर्जर है। यहाँ पे टाउन प्लानिंग के नाम पे कुछ होता ही नहीं है। कुछ दिन पहले यहाँ पे दुकानें बनी यहाँ पे और उसके बाद से कुछ सालों बाद जो है उन दुकानों के आगे का जो है सामान को तोड़ तार के हटाने का प्रयास किया गया। बनारस जो गलियों का शहर हुआ करता था उसका विकास करने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने पूरा प्रॉपर प्लानिंग किया। उस प्रकार से प्लानिंग बिहार में भी होना चाहिए। पटना सिटी का पतला पतला गली जो है अगर उसको पूरा को तोड़ के अगर खत्म ही कर दिया जाएगा तो पूरा पटना सिटी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं, किसी का भी घर तोड़ रहे हैं अगर सड़क को चौड़ा करने के लिए तो पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं एसके सिंह और आप देख रहे हैं बिहार आईना। आज फिर से मनीष कश्यप रक्सौल में बिहार के पोल पोटी खोलते नजर आए। वो न डरे हैं न डरेंगे, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, बोलना होगा तो बोलूंगा ही, गलत करोगे तो छोड़ूंगा नहीं। पहले उसको आर्थिक रूप से सशक्त बनाइए, मुआवजा दीजिए और सही ढंग से मुआवजा दीजिए। आप जो है अत्याचार किसी पे नहीं कर सकते हैं और ये रक्सौल शहर है आज जो है एकदम पूरा बर्बाद हो गया। अगर इसको आबाद किया गया रहता तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूना, बेंगलुरु, हैदराबाद, सूरत इन सब शहरों का टक्कर में जो है रक्सौल शहर खड़ा होता और पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के युवा जो है सिर्फ रक्सौल शहर के कारण जो है दूसरे जगह पे रोजगार करने को नहीं जाते। आपके जैसे मुद्दा यहाँ के मीडिया नहीं रखते ना? नहीं नहीं नहीं, सारे 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 सम्मानित है, सारे सम्मानित है और सबका मैं सम्मान करता हूँ। जो मेरा विरोध भी करते हैं उनका भी सम्मान है, जो सपोर्ट करते हैं उनका भी सम्मान है। लेकिन अगर आप लोग रक्सौल के मीडिया वाले हैं तो रक्सौल का सबसे खतरनाक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो बीच शहर में बाजार में जो बीच रोड के बीच में जो है सैकड़ों ट्रांसफार्मर लगाया गया है। आवाज उठाइए क्योंकि वो ट्रांसफार्मर अगर कभी ब्लास्ट हो जाएगा तो ना जाने कितने लोगों की जान चली जाएगी। और दो दिन पहले पटना में यही हुआ है और एकदम पूरा शहर के बीचों बीच जो है डिवाइडर के बीच में ट्रांसफार्मर है। अगर कोई ट्रक आके उसमें सट गया, कोई बस आके उसमें सट गया तो सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता है। तो रक्सौल में जितने भी मीडिया वाले हैं, चाहे वो मेरे समर्थक हो या विरोधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सभी से हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप के ऊपर वीडियो बाद में बना लीजिएगा, पहले ये जो खतरनाक ट्रांसफार्मर है उस पे वीडियो बनाइए। रक्सौल शहर को बिहार की आर्थिक राजधानी बनाने के लिए वीडियो बनाइए, यहाँ पे एयरपोर्ट चालू कराने के लिए वीडियो बनाइए और इन दुकानदारों के साथ खड़े होने के लिए वीडियो बनाइए। आप सभी से विनती है। क्या कभी 40 गो नेता पे अज्ञात केस हुआ है? नहीं हुआ है। तो देखिए 40-50 अज्ञात आदमी पे केस हुआ है, 2-4 नेता पे केस होना चाहिए, ये चीजें है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम सभी कहीं नहीं तो कहीं जाति में बटे हुए हैं। वो तो बिहार वाले के ऊपर ही है, अगर बिहार वाले उन्हें सपोर्ट करेंगे तो बिहार की जो समस्या है उस समस्या से उभर जाएंगे, समस्या का समाधान भी हो जाएगा। बाकी जनता के ऊपर है, जनता क्या चाहती है, मनीष कश्यप से क्या अपेक्षा करती है, मनीष कश्यप से और बिहार सरकार से। जनता अगर चाहती है कि बिहार को आगे लेके जाए तो मनीष कश्यप को सपोर्ट करना चाहिए। अगर लगता है कि जनता इसी तरह से भटकते रहे और पलायन की तरफ बढ़ते रहे तो फिर बिहार सरकार में जो बैठा है, जो मलाई खा रहा है, उन्हीं को सपोर्ट करे। फिलहाल इस वीडियो में देखिए मनीष कश्यप किस तरह से आक्रमित होकर के बिहार सरकार के पोल पट्टी खोल रहे हैं और जनता को किस तरह से संबोधित कर रहे हैं कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें किस तरह से आपको लोगों को भागीदारी निभाना है, कैसे सरकार की वोट देना है, किस तरह से हमें देना है, जो आपको अच्छा लगता है उनको सपोर्ट कीजिए। मनीष कश्यप कभी भी जनता को दबाव नहीं डाल रहे हैं कि हमें ही वोट दीजिए, जनता के ऊपर कभी उन्होंने दबाव न बनाया है और न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो साफ साफ यही कह रहे हैं कि जो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, तमाम तरह के पार्टियां हैं, जो आपको अच्छा लगता है उनकी सपोर्ट आप लोग कीजिए, जो आपके लिए अच्छा काम करता हो। बाकी जनता के ऊपर है, जनता क्या चाहती है फुल वीडियो देखिएगा। एफलनवा कौन जाता है रे, एफलनवा कौन जाता है रे, एफलनवा कौन जाता है रे, एफलनवा कौन जाता है। हम सभी को बिहारी बनना होगा और जिस दिन हम सभी बिहारी बन जाएंगे
मैं दावे के साथ कहता हूं कि फिर किसी भी बिहारी के तरफ कोई भी उंगली उठा के देखने का प्रयास नहीं करेगा। सही है कि नहीं है? तो रक्सौल शहर का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो आप लोग जातिवाद से ऊपर उठ के प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? और कमाल की बात यह है कि मेरे साथ जितने भी लोग खड़े हैं उनमें से कोई भी करोड़पति परिवार का लड़का नहीं है। नहीं है ना? दिखाइए जितने भी लोग। और मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं रक्सौल आ रहा हूँ। मैं वहां से निकला और बोला कि चलता हूँ, सड़क के बीच में खड़े हो जाएंगे, लोग प्यार देंगे, गले लगाऊंगा। लोग प्यार नहीं देंगे, नहीं गले लगाऊंगा। सही है कि नहीं है? आप हमें प्यार दीजिएगा तो हम एकदम गले लगाएंगे। ये चीज है। तो चलिए अब हम लोग बिहार को बदलने का प्रयास करें, और जो हमें प्यार दे रहा है उसको गले लगाएं, और जो हमसे नफरत कर रहा है उसको सबक सिखाएं। नहीं तो जो लोग साजिश करता है और 4 साल 11 महीना गायब रहता है और 1 महीना सिर्फ चुनाव में आता है सिर्फ, और वैसे लोगों को हम लोग गले लगा के जो है अपना पूरा राज्य बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, बिहार से बाहर अब नौकरी करने जाना है कि नहीं जाना है? जाना है कि नहीं जाना है? अगर क्या पलायन को रोकना है कि नहीं रोकना है? और रक्सौल को अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाना है कि नहीं बनाना है? तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर जिस पे भरोसा है आप लोगों को, जिस पे भी भरोसा है उसको वोट दीजिए। जिस पे भी भरोसा है, अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं है तो मनीष कश्यप को एक बार चुन के देखिए, क्या पता कि मैं रक्सौल का वो सब नहीं। सुनिए, मैं मुझे बोल दीजिए, मुझे चुन के देखिए। अगर 75 साल से नेताओं ने ठगा है आप लोगों को, लगता है कि 5 साल मनीषवा ठग लेगा तो समझिए आपका बेटा ठग रहा है। सही है कि नहीं है? सही बात। 5 साल और ही सही। और क्या पता मनीष कश्यप अगर जीत जाए तो उसके पास टाउन प्लानिंग है, रक्सौल का रिंग रोड बनवा दे, फ्लाईओवर बनवा दे, एयरपोर्ट चालू करवा दे, बाढ़ के समस्या का समाधान कर दे। ये सारी चीजें हैं और इन सारी चीजों पे हम लोगों को चर्चा करना चाहिए, न कि बिहार में चुनाव के दौरान क्या होता है कि भूमिहार लोगों का गांव है तो नेताजी एगो बुलेरो में भूमिहार लोगों को बैठा के भेजेंगे वोट मांगने के लिए। हरिजन लोगों का गांव है तो बुलेरो में दूगो बुलेरो में हरिजन लोगों को बैठा दिया जाएगा और जाए बोला जाएगा कि नेताजी हरिजन के लिए बहुत काम किया, जाइए बोलिए। यादव जी लोगों का गांव है तो नेताजी के गाड़ी में जो है बुलेरो में यादव जी जाएंगे और यादव जी को कन्वर्ट करेंगे। अब जो है वैसा नहीं किया जाए। अब जो है मन करे तो आप मुझे गले लगाइए और नहीं मन करे तो आप जो है किसी काबिल आदमी को गले लगाइए। सही है कि नहीं चाचा? गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं। तो चलिए बिहार को बदला जाए और प्रयास किया जाए। और हाँ, मैं सारे कड़वे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप सभी मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना कड़वा सवाल मेरे से पूछ रहे हैं, आपका दायित्व बनता है उतना कड़वा सवाल सांसद महोदय से भी पूछे। बनता है कि नहीं बनता है? खाली मनीष में है कि मुंह में माइक ठूस दिए, डॉलर अमेरिका से मंगा लिए अपने खाते में, मनीष कश्यप को गरिया भी दिए, मनीष कश्यप को गरिया भी दिए और अमेरिका से डॉलर अपने खाते में मंगा भी लिए, 10-20 हजार 50 हजार डॉलर कमा भी लिए। सही है कि नहीं है? तो हरेक कड़वे सवालों का जवाब मनीष कश्यप देगा, लेकिन उम्मीद है कि आप उतना कड़वा सवाल का जवाब जो है विधायक जी से भी पूछेंगे, सांसद जी से भी पूछेंगे, मुख्यमंत्री से भी पूछेंगे, उप मुख्यमंत्री से भी पूछेंगे और विपक्ष के नेताओं से पूछेंगे। आसान टारगेट सिर्फ मनीष कश्यप को मत बनाइए।